हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं आई टेक क्लाउड। आज हम आपके लिए लेके आए इन्फिनिक्स नॉट 12 और इसमें अब हम आपको खेल के दिखाएंगे पबजी और आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपका पबजी में एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर इसके जो है मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो एक एमोलेड पैनल दिया गया है विद 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ। अगर यहाँ पर रिफ्रेश रेट को हम बढ़ा के 90 कर देते तो ये फ़ोन बहुत ही बेहतरीन रहता। अगर इसके अलावा इसके और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जब तक हमारा गेम स्टार्ट हो हम यहाँ पर आपको थोड़े इसके और स्पेसिफिकेशंस बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 6GB रैम और 128GB रैम रोम और रैम का वेरिएंट दिया गया है। उसके साथ जो है आपको G88 दिया गया है। उसके साथ आप इसमें एक और अच्छी चीज़ दी गई है कि यहाँ पर आपको 5000mAh बैटरी के साथ आपको 33W का फास्ट चार्जर दिया गया है। यहाँ पर आपको USB Type-C की कनेक्टिविटी दी गई है। उसके साथ जो है आपको यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक ऐसा फीचर्स मतलब इन्फिनिक्स वालों ने एक ऐसा फीचर्स दिया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको आप जो है अपने वॉल्यूम बटन को इसको आप ट्रिगर में तब्दील कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर अगर इसके स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है इसका स्पीकर क्वालिटी वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पर जो है फुटप्रिंट्स और उसके अलावा जो भी है फुट साउंड जो भी है वो आपको बहुत ही बेहतरीन सुनाई दे सकता है। यहाँ पर अगर मैं इसके ट्रिगर बटन की बात करूँ तो यहाँ पर इसका ट्रिगर बटन आप देख सकते हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव। ये अगर मैं बताऊँ कि ये कैसे मैंने यहाँ पर इनेबल किया है तो यहाँ पर अगर इसको आप सिलेक्ट करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको एक मेन्यू दिखेगी। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है मैजिक बटन। मैजिक बटन को आप ऑन करेंगे, वॉल्यूम अप ऑन करें या डाउन ऑन करें वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर आप मैं इसको ऑफ़ करता हूँ एक दफ़ा आपको समझाने के लिए। यहाँ पर जो है मैंने इसको किया है अब ऑन, तो इसको ऑप्शन आता है हमारे पास नेक्स्ट। आप इसको जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये प्लस का जो है निशान है इसको आप होल्ड करके रखें। इसको आप जैसे ही होल्ड करके रखेंगे आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी। थोड़ा सा होल्ड करने का बाद ये मैंने रखा है इसको जो है फायर बटन पर, आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, स्कोप पर रख सकते हैं, मैप पर रख सकते हैं, कहीं पर भी आप रख सकते हैं जहां पर आपको इजी लगे, या पीक पर भी आप रख सकते हैं। इसको जैसे डन करेंगे तो ये हमारा हो चुका है एक्टिव। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है एक्टिव। मैं कोई भी यहाँ पर जो है किसी भी किस्म का बटन नहीं दबा रहा हूँ फायर के लिए, मैं सिर्फ सिंपली वॉल्यूम बटन दबा रहा हूँ। तो ये जो फीचर है ये इन्फिनिक्स का मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हमारे जो दोस्त जो ट्रिगर से खेलते हैं या जिसको ट्रिगर अच्छे लगते हैं तो उसको ये प्रॉब्लम होता है कि ट्रिगर को कहीं कहाँ कहाँ लेके जाएँ, मतलब जेब में लेके कहाँ घूमें, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा फीचर है जो इन्फिनिक्स नोट 12 में दिया गया है। और इन्फिनिक्स के जो भी हालिया फ़ोन हैं जिनमें जो एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट दिया गया है उन सब में ये फोन फीचर्स दिया गया है, ये फीचर्स मिलते हैं। तो अगर बात करूं तो यहाँ पर इसका जो है गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर अगर ग्राफिक्स दिखाता चलूँ आपको एक दफ़ा तो यहाँ पर आप स्मूथ पर अल्ट्रा खेल सकते हैं, मतलब मैक्सिमम आप 40fps तक खेल सकते हैं इसमें, और बैलेंस पर भी आप 40fps, एसटी पर आप हाई खेल सकते हैं। स्मूथ पर अगर आप अल्ट्रा लगाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी लैग इशू नहीं मिलता। हालांकि इसका जो छोटा भाई है इन्फिनिक्स नोट 11 उसमें आपको थोड़ा सा लैग इशू दिया गया था, पर इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है। जैरो देखते हैं हम यहाँ पर, जैरो का आपको बताते हैं एक दफ़ा कि यहाँ पर इसका जैरो कैसा रहने वाला है। तो या जैरो को हम कर रखते हैं ऑलवेज ऑन पर, तो जैरो हमारा हो चुका है ऑन। तो यहाँ पर इसका जैरो भी बहुत ही रिस्पॉन्सिव है यार। आमतौर पे जो इन्फिनिक्स के जो जितने भी फ़ोन लॉन्च हुए हैं उनके जैरो इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि मैं इस फ़ोन का जैरो देख सकता हूँ कि कितना इम्प्रूवड और कितना अच्छा है। ये आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसका जैरो है। हालांकि मैं जैरो खेलता नहीं हूँ पर इसका जैरो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। आप अगर जैरो यूज़र हैं तो भी आप इस फ़ोन को जो है रिकमेंड कर सकते हैं, अगर आप पबजी लवर हैं तो भी आप जो है इसको रिकमेंड कर सकते हैं अपने गेम के हिसाब के इस प्राइस रेंज के हिसाब से। ये फ़ोन बहुत ही बेहतरीन है और आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं अपनी गेमिंग क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।